1000 लैम्प का ऑप्शन आपको ये इसमें डैशबोर्ड में मिल जाता है, बाकी टाइम बाकी फ्यूल कितना है कैपेसिटी बताना ये है। हेलो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो आज हम बैठे हैं इंडियन की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी में, जिसे का नाम है बुलेरो, जो रूलर के आदमी काफ़ी पसंद करते हैं इस गाड़ी को। तो चलो हम आज इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं डिटेल में। तो फ्रंट से कुछ गाड़ी हमारी ऐसी मिल जाती है जिसमें आपको ये ग्रिल मिल जाती है, बाकी आपको ये एलईडी मिल जाती है जिसमें हेलोजन बल्ब आता है, इंडिकेटर व्हीलिंग आ जाएगा, ये फोग लैंप आ जाएगा। ये हमारा टॉप वेरिएंट है इसका, बुलेरो एम होप के साथ आता है, D17 यानी आप डीजल इंजन है ये। बाकी टायर प्रोफाइल इसमें आपको मिल जाती है, ये टायर प्रोफाइल इसमें आपको मिल जाती है 15 इंचेस की। बाकी गाड़ी ओवरऑल साइड से आती है ZLX बुलेरो प्लस, पावर प्लस है। इसका स्पेयर व्हील आ गया जो अभी अनटच है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। बाकी ये कुछ गाड़ी के ओनर बैठे हैं। तो भाई कैसे हैं आप? तो कुछ ये साइड प्रोफाइल मिल जाती है इसमें आपको। ये हमारा जो BS6 में आया था, इधर से हमारा वो ग्रीन ऑयल डलता है। तो कुछ इस प्रकार की इसकी की मिलती है। चलो हम गाड़ी के आपको अंदर लेके चलते हैं इसके। तो ये इसका डोर मिल जाता है जिसमें, ये हमारा टॉप वेरिएंट है बुलेरो ZLX पावर प्लस। तो कुछ ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है। तो चलो हम इसमें चाबी लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो कुछ ये इसका जो के डिजिटल आता है इसका, ये इसका मीटर 5000 RPM तक जाता है। बाकी ये इसका एसी ये कंट्रोल है, इसमें आपको ऑटो एसी मिल जाता है, या हमारे ऑटो एसी मिल जाएगा। ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा आपको, डैक कंपनी फिटेड आता है। बाकी ये इसमें नाइट विजन भी आ जाता है। बाकी लेदर रैप ये इसकी सीट आती हैं गाड़ी में, इसमें एयरबैग नहीं आते थे जो अब वेरियंट में आते हैं। इसके 4 विंडो कंट्रोल कंपनी ने यहाँ पर दे रखे हैं ये हमारे। बाकी रूफ लाइट ये मिल जाती है इसमें, येलो हेलोजनी मिल जाती है आपको। हजार लैम्प का ऑप्शन आपको ये इसमें डैशबोर्ड में मिल जाता है, बाकी टाइम बाकी फ्यूल कितना है कैपेसिटी बताना ये है। हमारा बैटरी का आ गया, ये हमारा कितना गाड़ी हीट हो चुकी है ये आ जाता है। ये हॉर्न मिल जाता है आपको इसमें, ये आपकी लाइट वो मिल जाता है, फैन की स्पीड कंट्रोल करने का मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इसमें आपको। बाकी इसका ग्लव बॉक्स इस टाइप में आता है, कुछ कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता इसमें। चलिए हम आपको रियर सीट पर लेके चलते हैं इसकी। तो भाई कुछ ये इसका रियर सीट मिल जाती है, जिसे 7 सीटर गाड़ी है ये। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ, सीट कंफर्टेबल भी ठीक है और आपको स्पेस भी इसमें काफ़ी मिल जाता है। ऐसे 7 सीटर है, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो इसमें मैं आराम से ही बैठ पा रहा हूँ। रूफ भी काफ़ी ठीक है। बाकी इसमें हाँ, पीछे की अगर हम बात करें, जो ये 2 सीट हैं, तो इसमें हम चाइल्ड बच्चे ही बैठा पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार में इसमें मिल जाता है, जिसमें विंडो कंट्रोल इसमें आपको आगे मिलेंगे। तो भाई ये ड्राइव कर रहे हैं, तो चलिए इसमें हम आपको लेकर चलते हैं बैक रो में और लेकर चलते हैं इसमें आपको हम। तो आइए, हम आ चुके हैं बैक रो में। तो कुछ इस तरीके का ये आपको आता है, जिसमें अब ये देखिए, मैं तो कंफर्टेबल बैठ पा रहा हूँ, लेकिन जो सामने बंदा बैठेगा उसमें काफ़ी, लेकिन हाँ रूफ में थोड़ी दिक्कत है इसमें। रूफ में देखे उड़ रही है रूफ। बाकी हाँ, रूलर में गाड़ी बहुत पॉपुलर, बहुत कम्पैक्ट SUV है, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी मिल जाता है। गाड़ी ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी बेटर रहेगी। सस्पेंशन इसमें थोड़े हार्ड मिल जाते हैं। बाकी कुछ ओवरऑल गाड़ी का लुक ये है साइड से। बाकी इस रेंज में सबसे बढ़िया पॉपुलर SUV है, जो आपकी 11 लाख के अंडर में आ जाती है। ये VIP का इसमें लोगो लगा रखा है, ये इसके ओनर बैठे हैं इधर जो। बाकी आ जाता है इसके 1000 लैंप ये भाई ने लॉक करी। बाकी इसकी ये ग्रिल आ जाती है डुअल टोन में आपको, जिसमें सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ग्रे मिल जाता है। बाकी ये वाइट कलर है, गाड़ी काफी ठीक ठाक है। बाकी इसका एंटीना आ जाता है यहाँ पर। बाकी ओवरऑल गाड़ी ठीक है, लेकिन हाँ स्कॉर्पियो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन इस प्राइस रेंज में सबसे बेटर